जय हिंद सभी सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में वन रैंक वन पेंशन पर इस वक्त की दो महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास है जो मैं आपको देना चाहूंगा उसमें से पहला है विपक्ष ने पहली बार वन रैंक वन पेंशन पर उठाई आवाज दूसरी खबर है कि क्या सच में जे को ओ आर टू में कम फायदा मिला है जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से बने रहें आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जयराम रमेश यूपीए गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हुआ करते थे अभी वो विपक्ष में बैठते हैं उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वन पेंशन के बारे में उन्होंने लिखा है कि इट वाज टुडे इट वाज जय जवान ऑन दट वन जीरो फिफ्थ आफ्टरनून ऑफ भारत जोड़ो यात्रा हाइडेड ट्वेंटी फोर्टी फाइव मिनट इन डेप्थ इंटरेक्शन विथ अराउंड थर्टी एक्स सर्विसमैन हु रेंज फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल टू जूनियर कमीशन ऑफिसर्स उन्होंने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 45 मिनट तक गहरी बातचीत उनकी हुई एक्स सर्विसमैन से जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर जूनियर कमीशन ऑफिसर तक शामिल थे आगे लिखते हैं कि ऑल द एक्स सर्विस मैन वेयर अगेंस्ट द अग्निपथ स्कीम सारे एक्स सर्विस मैन अग्निपथ स्कीम के विरोध में थे दे वांटेड टू गवर्नमेंट टू बी मोर फॉर्थ कमिंग अबाउट द बॉर्डर सिचुएशन विथ चाइना एंड एक्नॉलेज्ड दैट व्हाइल ओ आर हैज बेनिफिटेड ऑफिसर्स एट हायर लेवल्स उन्होंने कहा है कि जबकि ओ में ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदे मिले हैं इट हैज़ नॉट बीन बेनिफिटेड फॉर जे सी लीव द आर्मी अर्लियर और उन्होंने कहा है कि जे सी ओ को इसमें कम फायदा मिला है जो पहले आर्मी छोड़ चुके हैं ये बहुत बड़ी बात है ये लोकसभा में उठी हुई बात है तथा उसके अनुसार ही जयराम रमेश ने यहाँ पर कहा है तो कुछ न कुछ उन्हें इनपुट जरूर मिला होगा पेंशन जो टेबल बनने की बात चल रही है उसके अनुसार उन्हें कुछ इनपुट मिला होगा इसके अनुसार ही उन्होंने यह जानकारी दी है कि जे को हो न हो कुछ कम फायदा मिले इसके बाद एक और ट्वीट मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का आया है जो एक जवाब है ट्वीट का जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं ये जो ट्वीट जो सवाल पूछा गया था उसमें यह है कि श्री ये, ये जो सवाल पूछने वाले हैं श्री रामुल सेथापल्ली उन्होंने सवाल किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस नाइन जुलाई सीन बाई सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 सितंबर फुल थ्री मंथ लेटर एक्सटेंशन साउथ वाइज ऑलरेडी अवेल्ड कन्वेंसली गेव सुप्रीम कोर्ट गेव थ्री मंथ एक्सटेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग अप टू फिफ्टीन दिसंबर आईईएसएम नथिंग उन्होंने कहा कि पहले भी गवर्नमेंट दो बार तीन तीन महीने का एक्सटेंशन दे चुकी है फिर उन्हों गवर्नमेंट ने सरकार को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया पंद्रह दिसंबर तक लास्ट बार लेकिन इंडियन एक्स सर्विसमैन उसमें कुछ नहीं कर सकी आई डाउट इफ द फ्रेश अपील विल बी सीन टिल अप्रैल 2023, उन्हें लगता है उन्हें शक है कि ये जो फ्रेश अपील है इसकी जो सुनवाई है वो अब कहीं ना कहीं अप्रैल 2023 तक न चल जाए इसका जवाब देते हुए मेजर जनरल सत्यवीर सिंह साहब ने कहा कि गवर्नमेंट एमए हैज बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन 2 जनवरी 2023 एंड से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिओपेंस आफ्टर हॉलीडेज गवर्नमेंट ब्लेसिंग लेटर्स होप वी गेट उन्होंने कहा है कि अगली जो सुनवाई है वो 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है जो होली जो छुट्टी चल रहे हैं उस छुट्टियों के बाद जैसे ही छुट्टी खत्म होगा वैसे ही सुप्रीम कोर्ट दो जनवरी 2023 को इस पर सुनवाई करेगी